स्टूडेंट्स इन क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश पोएट्री का सेकंड चैप्टर द ट्री ब्यूटी पढ़ाने जा रही हूँ और इसके कवि का नाम थॉमस कैरी है, जिन्होंने अपनी कविताओं में शारीरिक सौंदर्य और आध्यात्मिक सौंदर्य में अंतर समझाया है। आइए शुरू करते हैं आज की पोएम द ट्री ब्यूटी। ही दैट लव्स अ रोजी चीक और अ कोरल लिप एडमायर्स, वह जो प्रेम करता है गुलाबी गालों से और किसी भी स्त्री के मुंडे जैसे लाल होंठों की प्रशंसा करता है और फ्रॉम स्टार लाइक आईज दैट सीक और उसकी तारों जैसी चमकीली आंखों में सीक ढूंढता है फ्यूल ईंधन टू मेंटेन हिज फायर्स, उसके प्रेम को बनाए रखने के लिए सामान। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, जैसे जैसे व्यक्ति पर ओल्ड टाइम बुढ़ापा आता है ये सब चीजें डिके नष्ट होती जाती हैं। सो इट्स फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इस प्रकार से जो उसकी फ्लेम्स जो उसका गहरा प्रेम होता है उसकी प्रेम की अनुभूति वो भी नष्ट होती चली जाती है। बच्चों नोट करें, इस पाठ में पहले पैराग्राफ जो मैंने अभी पढ़ाया इसमें मेटाफर सिमली और पर्सोनिफिकेशन आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। देखिए लाइन नंबर 1 और रोजी चीक इसमें मेटाफर है, कोरल लिप इसमें भी मेटाफर है नोट करें, और इसके साथ में स्टार लाइक आईज इसमें आपका सिमली है, और इसके बाद में टाइम मेक्स दिस डिके इसमें टाइम को ऑल पावर भी बताया गया, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग हुआ है। बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, हार्ट विद इक्वल लव कंबाइन, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज, लवली चीक्स और लिप्स और आईज। इससे पहले पैराग्राफ में कवि ने एक शारीरिक आकर्षण वाली महिला का वर्णन किया था, अब इस पैराग्राफ में कवि हमको ये बता रहा है कि किस प्रकार आध्यात्मिक सौंदर्य की महिला अच्छी होती है अपेक्षाकृत शारीरिक सौंदर्य महिला से। बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, मतलब आपका एक समान रहने वाली और दृढ़ संकल्प जो बार बार बदलने वाली नहीं ऐसी स्त्री, और जिसकी विचार कैसे होते हैं जेंटल, जेंटल पवित्र विचार होते हैं, काम डिजायर्स और जिसकी इच्छाएं काम शांत इच्छाएं होती हैं, हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड और उसका जो दिल और प्रेम दोनों ही मिश्रित होते हैं, मतलब समय समय के हिसाब से नहीं बदलते रहते हैं, किंडल नेवर डाइंग फायर्स तो वो उत्पन्न करते हैं, किंडल उत्पन्न करते हैं कभी ना मिटने वाले प्रेम को। फिर कभी कहते हैं वे दीज आर नॉट आई डिस्पाइज, जहां पर इस प्रकार का प्रेम नहीं है आध्यात्मिक प्रेम नहीं है, आई डिस्पाइज मैं हेट करता हूँ, डिस्पाइज घृणा करता हूँ, लवली चीक्स और लिप्स और आई। कवि कहना चाहते हैं कि जिस स्त्री में शारीरिक सौंदर्य तो होता है लेकिन आध्यात्मिक सौंदर्य नहीं तो वह केवल घृणा के योग ही उसमें जाकर लिख सकते हैं।